मेरा एक दोस्त NRI, ठीक है, वो US से आया, वो रात में उसे क्या चुलमची खाना खाने के बाद कहता मैं जॉगिंग करने जाऊंगा। मैं उसे समझाया बट माना नहीं। वो जॉगिंग करते करते थोड़ी देर बाद फोन आया, कहता ब्रो मैं जॉगिंग कर रहा था तभी एक गाड़ी मेरे पास आके रुकी, उसमें से चार लोग उतरे, उन्होंने मुझे जबरदस्ती लिफ्ट दी, अब इस बात के पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा चूतिए इस प्रोसेस को किडनैपिंग कहते हैं। यूपी से कोई है यहाँ पे? क्यों मैं चेयर जो यूपी से है? पांडे। Fuck, dude. हाँ ठीक है ना, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ बी प्राउड ना, मैं भी यूपी से हूँ, मैं प्रयागराज से हूँ, और हमारे बारे में बाहर गलत गलत बातें फैलाई जा रही हैं। हमारे बारे में बोला जा रहा है कि हम बहुत भौगाली में रहते हैं। पता है सर भौगाली का क्या मतलब होता है? मैं बताता हूँ भौगाली का मतलब, ठीक है। मेरा कजिन है, उसका व्हाट्सएप स्टेटस मैंने देखा, उसने स्टोरी डाली थी, वो मैंने देखा, उसमें लिखा था कि यूं तो 1000 के नोट पे फोटो हमारी भी छप सकती थी मगर लोगों की जेब में रहना हमारी आदत नहीं। पंद्रह का है ये हरामजादा। मैंने उसको रिप्लाई किया, मुझे लगा शायद इससे सुधर जाए, मैंने कहा चूतिए 1000 का नोट बंद हो चुका है। 2 मिनट बाद स्टेटस डिलीट हो गया, नई स्टोरी अपडेट हुई, 500 के नोट पे फोटो तो हमारी भी चल रही थी। यार छोटे छोटे बच्चे भौगाली में रहते हैं, मतलब हमारे टाइम में 12th के लौंडे पीछे बैठ के तंबाकू खा रहे थे क्लास में, वो लौंडा ऐसे घिस रहा है, टीचर ने देख लिया, टीचर उसके पास गया, कह रहा हाँ भाई साहब तंबाकू घिस रहे हो? कहता नहीं सर, किस्मत की लकीरें बदल रहे हैं। आप भी बदलोगे? ये भौकाली। अरे बच्चे छोड़ो, हमारे टीचर भौकाली में रहते हैं। मेरा टीचर है कॉन्फिडेंस में, ऐसा कहता सुनो चैप्टर 5 से सरप्राइज टेस्ट है। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सर चैप्टर 5 आपने पढ़ाया भी नहीं है। कह रहा यही तो सरप्राइज है। पनिशमेंट अजीब सी दे रहे हैं। मेरे को कहता है तुम होमवर्क करके नहीं लाए हो तो ब्लैक बोर्ड पे 500 बार लिखो कल से होमवर्क करके लाऊंगा। मैंने कहा ये क्या चूतिया बात हुई, अगर मेरा इतना लिखने का मन होता तो मैं होमवर्क ना कर लेता। तो कहता है काम करो मुर्गा बन जाओ। मैंने कहा सर घुटने में दर्द रहता है, हाथ ऊपर करवा लो। हम पनिशमेंट अपने हिसाब से ले रहे हैं। मतलब देखो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, मेरे क्लास में किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी। टीचर आता था ना, टीचर ने बोला कि जो बच्चा, इंग्लिश वाला टीचर है, बोला जो बच्चा हिंदी में बात करेगा उस पर फाइन लगेगा। पूरी क्लास उस दिन तुषार कपूर बन गई थी। टीचर ने सुन लिया, टीचर कह रहा क्या तुम सारे गूंगे हो? हमने कहा नहीं सर, इंग्लिश में गूंगे, हिंदी में बोल लेते हैं। फिर हमारा दोस्त आया 8th क्लास में, बेबी यादव मेरा दोस्त है। हाँ बेबी यादव, वो 7वीं तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया था, बाहर किसी दूसरे स्टेट से, दिल्ली से मोस्टली, हमें पता नहीं कहाँ से पढ़ गया, बट 8वीं में आ गया हमारे स्कूल में। अब उसको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उसे इंग्लिश आती थी। और ये हमें पता कैसे चला, हम लोग प्रयागराज में गंगा किनारे घूमने गए और वो गंगा नदी को देख के कहता है ओ माई गॉड होली रिवर गैंजेस। मैंने कहा ये है ब्रिटिश। ये हमारा दोस्त बनेगा। हमने उससे दोस्ती कर ली और वो सबको इंग्लिश सिखाता रहा। देखो उसे इंग्लिश आती है बट पूरी अच्छे से नहीं आती क्योंकि 7वीं तक ही पढ़ाई की है, इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देता है। ठीक है, अब जैसे उसके मामा है कल्लू यादव, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर लौटे, ठीक है, आईसीयू में थे, वो ठीक हो गया, सारे घर वाले उनसे मिलने गए, सब उन्हें कॉन्ग्रेट्स कर रहे कि चलो आप ठीक हो गया, आगे सब वेलकम करे, कल्लू भाई साहब आपका स्वास्थ्य अच्छा है, भगवान आपको लंबी उम्र दे। ये गया कह रहा है कल्लू मामा वाह आपकी जान बच गई, ब्लैक लाइव्स मैटर। भाई ये ऑटो वाले, ठीक है, ऑटो वाले से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता है, ठीक है, और उन्हें एटीट्यूड दिखाता है, इस चक्कर में पिटता भी है। ठीक है, हमारे प्रयागराज को ऑटो वाले से जा रहा, कह रहा टेसन 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 टेसन, ये रोक दे, कह रहा भैया स्टेशन चलेंगे हम। ऑटो वाला रोक के कहता है सिंगल सवारी? कह रहा नहीं ब्रो इन अ रिलेशनशिप बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड।
ऑटो वाला कहता अरे भाई मतलब अकेले हो? कहता क्यों ब्रो, तुम्हारे ऑटो में स्टैग एंट्री अलाउड नहीं है क्या? ऑटो वाला कहता है भाई अकेले चलोगे क्या? कहता है अकेले चलेंगे? कह रहा बैठो। कह रहा बैठे कहां, तुम्हारे ऑटो में जगह ही नहीं है ब्रो, तुमने आधा पिछवाड़ा यूनिवर्स के हवाले कर रखा है। ऑटो वाला मौका नहीं दिखा रहा। कह रहा हम प्रयागराज से, हमारे घर में जगह हो ना हो, ऑटो में जगह बहुत होती है। मैं एक दिन ऐसे जा रहा था बेबी के साथ ऑल्टो में उसकी, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त आदिल, हम बैठे हुए थे और ये शराब पीते पीते गाड़ी चला रहा था, ठीक है। मैं इसको समझाया, मैंने कहा देख पुलिस चेकिंग होगी, पकड़े जाएंगे और वो तेरे से आरसी मांगे, आरसी रख लिया है ना? कह रहा ओहो पहले बताना था, मैं तो आरएस ले आया। आगे पुलिस वाले ने रोक लिया, पुलिस वाला कहता ओहो ड्रंक एंड ड्राइविंग? पुलिस वाले से कहता नो सर, ड्रंक एंड ड्राइविंग पास्ट टेंस है, आई एम ड्रिंकिंग व्हाइल ड्राइविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कहता आप भी हिंदी मीडियम से हो गया। पुलिस वाले उसको उतारा, कह रहा बेटा तेरे पे 150 ही लगेगी। कहता नो सर 180, 90 के दो। हाँ पुलिस वाला उसको कुछ करता, उसके पहले आदिल उतरा, वो भोगाली दिखाने लगा, कह रहा दरोगा जी छोड़ दो इसको, नहीं तो वर्दी उतर जाएगी तुम्हारी। वो बोला क्यों बे? कहता क्योंकि हम पिंटू दद्दा को जानते हैं। दरोगा बोला पिंटू दद्दा कौन है? कहता हमारे इलाके के उभरते हुए छात्र नेता, ठीक है। पुलिस वाला भी यूपी का था, फुल भोकाली में रहते हैं यार यूपी पुलिस वाले। पुलिस वाले ने एक कंटाप दिया, उसकी गर्दन नीचे घूम गई और उसने नीचे देखा पिंटू दद्दा यही मुर्गी बने हुए थे। और हवलदार उनके अंडे तोड़ रहा था। उनको देख के आदिल चुपचाप मुर्गा बन गया बगल में, उसको देख के बेबी मुर्गा बन गया। पुलिस वाला मेरी तरफ देखा, मैं कहा सर मैं हाथ उठा सकता हूँ क्या? भाई गलत चीजों के लिए फेमस है यार हम लोग। मैं प्रयागराज से, तो हमारे कुंभ का मेला लगता है, उसमें काफी सारे लोग आते हैं देश विदेश से, ठीक है यार। देखो वो आते हैं इंडियन कल्चर को बहुत एक्सेप्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, वो हमें देख के नमस्ते करते हैं, हिंदी में कहते हैं नमस्ते नमस्ते। हमारे बकचोद लौंडे आशीर्वाद देने लगे, कह रहे खुश रहो। जुग जुग जी हो। भाई कुछ लौंडे तो हमारे इतने क्रांतिकारी, ठीक है, कुछ लौंडे एकदम जोश में आते हैं और अंग्रेजों को देख कहते हैं साइमन गो बैक। हाँ साइमन गो बैक। वो कहता हूँ दफा की साइमन, माय नेम इज जोसेफ। कह रहे जोसेफ यू आल्सो गो बैक। कहते और सुनो साइमन को भी ले जाना। लेकिन देखो वहां पे जो दुकान वाले अंग्रेजों को चूतिया बना रहे हैं, बीड़ी होती है ना, बीड़ी का बंडल 500 रुपए में बेच रहे हैं। कह रहे सर दिस इज हर्बल सिगरेट, इससे कैंसर नहीं होता। हाँ मेरे एक नाव वाला ऐसे अंग्रेजों को बैठाया हुआ है, हम बैठे हुए, वो अंग्रेजों को घुमा रहा है और ऐसे समझा रहा है, कह रहा है सी मिस्टर डिकोस्टा दिस अकबर फोर्ट वेरी ब्यूटीफुल, इनसाइड सो मेनी रूम, ड्राइंग रूम, अकबर बेडरूम, अकबर वॉशरूम, एंड वन रूम दिस कॉल्ड हरम। अब अंग्रेज एंड व्हाट इज हरम? अब नाव वाला हमारी तरफ देखा, हमने बेबी की तरफ देखा, हमने कहा बेबी ये तेरे गांव वाले तू समझा। बेबी कहता सी मिस्टर डिकोस्टा वेयर किंग हैज सो मेनी गर्लफ्रेंड सो मेनी वाइफ लॉट ऑफ इलू इलू, इन शॉर्ट मिस्टर डिकोस्टा हरम मींस ओयर रूम। हमारे साइबेरियन पक्षी आते माइग्रेट करके संगम में, उनको दिखा रहा है, बेबी कह रहा है मिस्टर डिकोस्टा वेरी ब्यूटीफुल साइबेरियन बर्ड, व्हाइट साइबेरियन बर्ड, उनके बीच में एक काले रंग की चिड़िया घूम रही थी। अंग्रेज कहता है व्हाट अबाउट दैट बर्ड? कहता है दैट इज अफ्रीकन साइबेरियन बर्ड। कुछ भी बोलना है। हम लोग और फेमस है, हम लोग फेमस है क्राइम के लिए, हम बदनाम है बाहर कि यहाँ क्राइम बहुत ज्यादा होता है। अब तो हालत ठीक है, पहले मेरा एक दोस्त NRI, ठीक है, वो US से आया, वो रात में उसे क्या चुलमची, खाना खाने के बाद कहता मैं जॉगिंग करने जाऊंगा। मैं उसे समझाया बट माना नहीं, वो जॉगिंग करते करते थोड़ी देर बाद फोन आया, कहता ब्रो मैं जॉगिंग कर रहा था तभी एक गाड़ी मेरे पास आके रुकी, उसमें से 4 लोग उतरे, उन्होंने मुझे जबरदस्ती लिफ्ट दी, अब इस बात के पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा चूती इस प्रोसेस को किडनैपिंग कहते हैं। अच्छा अभी तो फिर भी हालत ठीक है, मतलब शादियों में क्या होता है, जूते उठाते हैं, हमारे जीजा उठवा लेते थे। बराती कंफ्यूज है, शर्मा जी शगुन देना या फिरौती?
दूल्हा बैकअप में रखना पड़ता था। फिर भी लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोग इतनी भोगाली में कैसे रह लेते हो। मैंने कहा यार देखो हमारे जब शादियां होती है यूपी में ना, तो अगले दिन अखबार उठा के देखो उसमें न्यूज आती है बारात में हुई फायरिंग, 2 मरे 3 घायल। मैंने कहा यार 2-3 तो हम सेलिब्रेशन में मार दे रहे हैं, सोचो लड़ाई होगी तो क्या करेंगे। पर ये सब जोक मैंने इसलिए किए क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी, ठीक है, उसमें कुछ लोग थे शायद दिल्ली के, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था यूपी के बारे में आपका क्या परसेप्शन है, एंड देवर सेइंग कि यूपी के लोग बहुत अनपढ़ होते हैं, गुटखा खाते हैं, क्राइम करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, कट्टा चलाते हैं, बम चलाते हैं, लाइक। तो मुझे देख के मेरे को लगा कि उनके परसेप्शन से मैं एक बार जोक कर लेता हूँ। तो पिछले 7-8 मिनट में देखोगे मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ असली यूपी क्या है, और मेरे को तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट चाहिए अगर आप एग्री करते हो तो। वैसे तो उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत पुराना है, लाइक भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के समय का है, ठीक है, उनके बारे में सब जानते हैं। मैं तुम्हें छोटे छोटे इंसिडेंट बताऊंगा प्रयागराज से, क्योंकि मैं प्रयागराज से हूँ, ठीक है। 1936 का बर्लिन ओलंपिक था, उसमें इंडिया और जर्मनी का हॉकी का फाइनल मैच था। मेजर ध्यानचंद इंडिया टीम को लीड कर रहे थे। इंजर्ड होने के बाद भी उन्होंने हिटलर के सामने जर्मनी के अगेंस्ट 3 गोल मार दिए। हैट्रिक करने के बाद गोल्ड मेडल जिताया, और हिटलर ने बोला कि तुम एक काम करो, इंडिया में क्यों रह रहे हो, जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और अच्छी पोजीशन दूंगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद उस हिटलर को जिसके सामने दुनिया की फटती थी, मुंह पे बोला इंडिया इज नॉट फॉर सेल, मैं यहीं पे खुश हूं। ये होती है भोगाली, ठीक है। हमें भोगाली के लिए कट्टा और बम की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं हमारे चाचा विधायक है, हमारे चाचा सांसद है। उत्तर प्रदेश ने जो देश को चाचा दिए थे 1947 में प्रधानमंत्री थे। ये होती है भोगाली। और जिसको हम बोलते हैं इलिटरेट स्टेट है ना, इन्होंने अब तक 9 प्रधानमंत्री देश को दिए हैं। और अमिताभ बच्चन जब आए थे मुंबई, उन्होंने एक पिक्चर में काम किया था और एक डायलॉग बोला था, बहुत फेमस लाइन है कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। 50 साल हो गए, उन्होंने जो माइलस्टोन सेट किया ना, सब पीछे ही है, कोई आगे नहीं आ पा रहा है उसके। ये होती है भोगाली। जियो तुम कहीं भी, ठीक है, जिंदा रह के पाप जितने मर्जी करो, ठीक है, मरने के बाद मोक्ष का रास्ता संगम से ही होके जाता है। ये होती है भोगाली। और अगर फिर भी पूछते हो भोगाली क्या है, तो मेरे उस कजिन ने ना अभी परसों स्टेटस डाला है फिर से, ठीक है, कि तुम सत्ता रखते हो तो हम अट्ठा रखते हैं, यूपी से भैंचो दर्जे में कट्टा रखते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और बेल आइकन दबा दो, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो डालूंगा तो आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। अब एक जरूरी अनाउंसमेंट, मैंने कुछ सिटीज में अपने शोज प्लान किए हैं, जो लिस्ट आपको साइड में दिख रही होगी। डेट के हिसाब से, अपनी अपनी सिटी के हिसाब से आप टिकट्स बुक कर सकते हो। टिकट का लिंक, बुक माई शो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज उस लिंक को फॉलो करते रहो, क्योंकि उसमें कुछ और सिटीज भी ऐड होती रहेंगी, जिसका डिटेल मैं हाइलाइटेड कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में हमेशा रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहूंगा। और एंड में सबसे जरूरी बात, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है कॉमिक धीर। यहाँ पे आपको रेगुलरली नए नए जोक्स, नई नई रील्स और शो की सारी डिटेल्स मिलती रहेगी, और अपने दोस्तों के साथ भी इस आईडी को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।